हेलो एवरीबॉडी, मैं गौरव और आप सभी के लिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, रोज़ प्लांट से रिलेटेड है, तो वीडियो एंड तक देखना और काफ़ी सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रोज़ प्लांट के लिए विंटर सीज़न जितना बेस्ट होता है, उतना ही वर्स्ट गर्मियों का सीज़न होता है। अगर आपने अपने रोज़ प्लांट को सेव कर लिया एक साल के लिए, तो नेक्स्ट ईयर वो फिर से उतने ही बड़े और उतने ही खूबसूरत फ्लावर देगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं, सर्दियों के मौसम में हमारा रोज़ प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और हमें भी बहुत ज़्यादा खुश कर देते हैं। बट दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली समर सीज़न ऐसा सीज़न होता है दोस्तों, जो हमारे रोज़ प्लांट की बैंड बजा देता है, हमारे कलेक्शन की बैंड बजा देता है। मैंने काफ़ी सारे रोज़ खोए हैं, आप भी खो सकते हैं। बट दोस्तों, यहाँ पर अब हम सेल्फ वाटरिंग सिस्टम बनाने वाले हैं रोज़ प्लांट के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे पास टाइगर रोज़ भी है और इस साल हम पूरी कोशिश करेंगे हमारा टाइगर रोज़ बच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, बनाते हैं सेल्फ वाटरिंग सिस्टम फॉर रोज़ प्लांट। और यहाँ पर हम जो आइटम यूज़ करने वाले हैं, बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट है, 20-30 रुपीज़ में आपका काम हो जाएगा। सो दोस्तों, ये है वो मैजिकल वॉल्व जो कि फिश एक्वेरियम में एयर कंट्रोलर का काम करता है, बट हम इसे एज ए वाटर कंट्रोलिंग में यूज़ करेंगे, मतलब इससे हम प्रेशर कंट्रोल करेंगे वाटर का। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसे कैसे यूज़ करेंगे। अब आप यहाँ पर जो पाइप देख रहे हैं, यहाँ पर इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है, 10-20 रुपीस में आपको मिल जाएगी और काफ़ी लंबी मिल जाएगी। तो आपके नियरली 1-2 गमले में इजीली ये काम हो जाएगा। अब हमारा सेकंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है प्लास्टिक की बोतल। अब यहाँ पर आप 2 लीटर, 2.5 लीटर, 1 लीटर कैसी भी बोतल ले सकते हैं, हमने छोटी बोतल का उपयोग करा है। बोतल सेलेक्ट करने के बाद आपको उसकी कैप के ऊपर होल करना होगा, उसके लिए आपको एक शार्प टूल की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको ध्यान रखना है, होल ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो पाइप होता है उससे थोड़ा सा छोटा होल होगा। तो यहाँ पर आप बहुत आहिस्ते से और संभल के एक होल बना दीजिए। इसके बाद दोस्तों, अब हमें पाइप को फिक्स करना होगा बॉटल की कैप के अंदर। उसके लिए हम 45 डिग्री एंगल पर इस पाइप को कट करेंगे, जिससे ये इजीली स्लाइड हो जाए हमारी बॉटल कैप के अंदर। बट स्लाइडली थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, आप यहाँ पर देखें, हमें थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़े, इतना टाइट तो होना ही चाहिए। आप कोशिश करिएगा हमारी कैप के अंदर से बिल्कुल भी वाटर लीकेज ना हो, जिससे हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल सही ढंग से काम करे। चलिए दोस्तों, प्रोजेक्ट के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं और यहाँ पर हम वॉल लगाकर दिखाएंगे। सबसे पहले हम वॉल के अंदर चेक कर लेंगे कैसे दिखता है। बहुत ही बेसिक सी मैकेनिज्म है यहाँ पर, वॉल जितना टाइट होगा उतना कम एयर प्रेशर निकलेगा, कम एयर प्रेशर मतलब कम वाटर निकलेगा। चलिए दोस्तों, लगा कर देख लेते हैं हमारे पाइप के अंदर और पूरा सिस्टम फिट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रोज़ प्लांट के ऊपर ही सेल्फ वाटरिंग सिस्टम हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, तो पॉट जल्दी ड्राई हो जाता है और पॉट जल्दी ड्राई होगा तो मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो रोज़ प्लांट की लीफ होती है वो बर्न होने लग जाएगी और पूरा प्लांट डैमेज हो सकता है। वीडियो में नेक्स्ट पार्ट यही है दोस्तों, कि हम हमारी बॉटल को हैंग कैसे करेंगे, क्योंकि अगर ग्रेविटी फोर्स नहीं लगेगा तो वाटर बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगा। यहाँ पर हम एक स्टिक का यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारी वाटर बॉटल ऊपर की तरफ हैंग हो जाएगी। सेल्फ वाटरिंग सिस्टम है दोस्तों, यहाँ पर हम हमारी वाटर बॉटल को किसी भी टॉप पार्ट पर रखेंगे या फिर तो हैंग करेंगे। अब हैंग करने के लिए हमें यहाँ पर बॉटल में कुछ होल्स करने होंगे। आप यहाँ पर कोई भी वायर का यूज़ कर सकते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर आयरन, या फिर आप किसी थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ बॉटल को हैंग करना है, इसके लिए आप कोई भी आइटम यूज़ कर सकते हैं, आप मोटी थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, टेस्टिंग हो जाए हमारे प्रोजेक्ट की, हम कहाँ तक सक्सेसफुल रहे, उसके लिए हम हमारे वाटर बॉटल के अंदर वाटर भरेंगे और फिर हैंग कर देंगे। अब हमारा फाइनल वर्क, यहाँ पर हमें बॉटल को हैंग करना है और हमारे जो नोज़ल है उसको पॉट के सरफेस एरिया पर रखना है। बहुत इजी टू मेक है हमारा सेल्फ वाटरिंग सिस्टम। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप बड़ी बॉटल का यूज़ करते हैं तो काफ़ी सारे पॉट्स को आप इजीली सर्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, नोज़ल ऑन करके देख लेते हैं।
बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म के साथ दोस्तों हमारा नोजल है यहाँ पर। आप जैसे जैसे इसको रोटेट करते जाएंगे वैसे वैसे पानी का प्रेशर बढ़ता जाएगा। आप अगर एक बूंद एक मिनट में चाहते हैं तो वो वाला प्रेशर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और एक ही मिनट में आपको 10 बूंदें चाहिए तो सारा कैलकुलेशन आपको अपने आप करना पड़ेगा, बट आप बहुत आसान तरीके से इसे सेट कर सकते हैं। एक बार चलिए हम हमारा वॉल को एक बार पूरा खोल के देखते हैं कितने प्रेशर से हमारा वाटर निकलता है। क्यों दोस्तों है ना, हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही आसान। सेल्फ वाटरिंग सिस्टम आप किसी भी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, और रोज़ प्लांट के लिए स्पेशली आप यूज़ करिए। इसकी सॉइल बिल्कुल भी ड्राई ना होने दें वरना हमारा रोज़ प्लांट हम खो सकते हैं। अब दोस्तों इसमें दो तीन मेथड और यूज़ करे हैं मैंने, उसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सेल्फ वाटरिंग सिस्टम की सबसे खास बात दोस्तों यही होती है कि ये यहाँ पर पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है और प्लांट को बहुत अच्छे तरीके से वाटर मिल जाता है, ड्रॉप बाई ड्रॉप मिलता है। चलिए हमारे एक एडेनियम प्लांट के ऊपर भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर सॉइल थोड़ी सी ड्राई है तो आपको यहाँ पर और ज़्यादा क्लियर व्यू नज़र आएगा। क्योंकि दोस्तों है ना हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा यूनिक। अब यहाँ पर अवेलेबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो हमारे जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो नियरली आपको 10-20 रुपीज़ में इजीली मिल जाएंगे, और आपको मिलेंगे कहाँ, वो मिलेंगे आपको लोकल शॉप्स पर, वो भी पेट्स की या फिर किसी भी एक्वेरियम वाली दुकान पर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है thewanpage_gardening। चलिए दोस्तों यहाँ पर हमारे हिबिस्कस प्लांट के ऊपर भी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पर सॉइल काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, और डेफिनेटली आप अगर ये प्रोजेक्ट ट्राई कर रहे हैं तो आपको कम से कम एक लीटर से बड़ी बॉटल का ही यूज़ करना है। आप यहाँ पर इजीली अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट पूरा काम कर रहा है।